हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार योर एजुकेटर एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज आईटी सब्जेक्ट जो क्लास नाइन्थ का ये वीडियो नंबर 11 है और इसमें आपकी जो यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन उसका एक चैप्टर है एडिट द डॉक्यूमेंट, इसी चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में आज जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वो है एडिटिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट में एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, सेलेक्टिंग उसमें जो भी टेक्स्ट वर्ड जो भी होते हैं उनको हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अंडू कमांड क्या होती है, रीडू कमांड का हम यूज़ कैसे करते हैं, कट कमांड कैसे परफॉर्म करता है, कॉपी को हम कैसे यूज़ करेंगे, पेस्ट कमांड क्या होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम कैसे यूज़ करते हैं, फाइंड कमांड क्या होती है, रिप्लेस कमांड क्या होती है और गो टू कमांड का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आज इन सभी टॉपिक को हम वन बाई वन करके समझेंगे और इनको देखेंगे इनका क्या यूज़ होता है। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार योर एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक रिवीजन इन द कंटेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की एडिटिंग का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट दे रखा है उसका रिवीजन बनाए रखना, ठीक है। फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, यानी जो भी भाषा लिखी जा रही है उसमें उसकी जो शुद्धता है उसको इम्प्रूव करने पर हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। एडिट का मतलब यही होता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस भाषा में जो चीज़ लिखी जा रही है उसकी शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं, यही हमारा फोकस होता है, मेन फोकस है, ठीक है ना। चेकिंग फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करते हैं। इन ए वर्ड प्रोसेसर, यानी कि एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर यू कैन गो बैक, आप गो बैक जा सकते हैं एंड एडिट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं बिफोर यू प्रिंट, यानी उसका प्रिंट लेने से पहले। कहने का मतलब ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई भी एक फाइल बना के तैयार की है, एक पेज बना के तैयार किया हुआ है, तो उसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपको ये सुविधा होती है कि आप बैक जा सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मिस्टेक हैं, जो भी एरर हैं, उनको आप ख़त्म करके डॉक्यूमेंट को सही बना सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंट लेने से पहले, आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप उन गलतियों को सही करें, सही करने के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाए उसके बाद आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, ये सुविधाएं इसके अंदर हैं। टू एडिट ए डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी एक डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। यू वॉन्ट टू चेंज, यानी जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। देन तब यू कैन मेक द डिजायर्ड चेंजेस, तब आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चेंजेस उसमें ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देयर आर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ चेंजेस, यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस दे रखे हैं यू कैन मेक इन ए डॉक्यूमेंट, जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाए गए जिन्हें आप एक डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, तो कौन कौन से चेंजेस हैं भाई, इसमें पॉइंट आया है एड टेक्स्ट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरीके के टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है डिलीट टेक्स्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट से किसी भी टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। कॉपी टेक्स्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। और मूव टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके ये जो चेंजेस आए निकल के जो यहाँ पे बताया गया कि एडिटिंग टेक्स्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो एडिटिंग होती है वो चार तरीके से हो सकती है, टेक्स्ट को ऐड करके या टेक्स्ट को डिलीट करके, टेक्स्ट को कॉपी करके या फिर मूव करके। अगला है इसमें चेंज द स्टाइल अप्लाइड टू योर टेक्स्ट, यानी आपके टेक्स्ट पर जो भी स्टाइल है जो इस पर अप्लाई हो रखी है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक एडिट टेक्स्ट में आएगा। चलिए अगला क्या है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट,
अब यहाँ पर आता है कि भाई टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे सेलेक्ट करते हैं। यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट बाई यूजिंग द कीबोर्ड और माउस, यानी कि आप टेक्स्ट को कीबोर्ड का यूज़ करके या फिर माउस का यूज़ करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है यूजिंग कीबोर्ड, यानी कि आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है वो भी कीबोर्ड का यूज़ करते हुए। तो सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड का यूज़ करते हुए सेलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए पोजिशन द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि आपका जो कर्सर है उसको क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर के लेफ्ट में आपने क्या करना है, उसकी पोजिशन को सेट करना है। फ्रॉम वेयर यू विश टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है ना, जहाँ पर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर किसी भी करेक्टर के लेफ्ट में आपने इसके कर्सर को क्या करना है, सेट करना है। होल्ड डाउन द शिफ्ट की, फिर क्या करना है, शिफ्ट की को दबा के रखना है, ये शिफ्ट की कीबोर्ड में होती है तो उस शिफ्ट की को आपने क्या करना है, दबा के रखना है। एंड मूव द कर्सर बाय यूजिंग द कीबोर्ड, और कीबोर्ड का यूज करते हुए उसके कर्सर को क्या करना है, आपको मूव कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो कीबोर्ड की हेल्प से सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ की स्ट्रोक्स दे रखी हैं, कुछ शॉर्टकट की दे रखी हैं और उनके डिस्क्रिप्शन भी दे रखे हैं उनसे क्या होता है। तो पहला है शिफ्ट प्लस राइट एरो, ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ हो रही है तो इसको हम राइट एरो बोलेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस राइट एरो, इससे क्या होता है, टू सेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, यानी कि किसी भी एक करेक्टर को राइट की तरफ सेलेक्ट करना, राइट की तरफ डायरेक्शन में किसी भी एक करेक्टर को सेलेक्ट करना। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, इसका क्या यूज होता है, टू सेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ किसी भी एक करेक्टर को सेलेक्ट करना। शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है, तो डाउन की तरफ जो एरो हो रहा है अगर शिफ्ट के साथ में हम उसे प्रेस करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो है टू सेलेक्ट वन लाइन डाउन, यानी कि नीचे की तरफ एक लाइन को सेलेक्ट करना। अगला है शिफ्ट प्लस अप एरो, ठीक है ना, यानी ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है वो उसे शिफ्ट के साथ में अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, टू सेलेक्ट वन लाइन अप, यानी ऊपर की तरफ एक लाइन को सेलेक्ट करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर की तरफ की एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस एंड, टू सेलेक्ट टू द एंड ऑफ द करेंट लाइन, ठीक है ना, यानी फिर क्या होता है, अगर हम शिफ्ट के साथ में एंड को दबाएंगे तो क्या होता है, यानी कि जो करेंट लाइन है उसके एंड को जाके ये सेलेक्ट करता है। ठीक है, कंट्रोल ए से क्या होता है, टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। अब समझ लीजिए एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उसमें आपने एक पेज दो पेज या दस पेज या बीस पेज जितने भी पेज बनाए हैं, ठीक है ना, तो कंट्रोल ए को प्रेस करने पर उन एक या दो या दस पेज जो भी बनाए हैं उन पर जो भी कंटेंट मौजूद है उन सभी चीज़ को ये क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को ये क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। तो ये था आपका कीबोर्ड की हेल्प से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। अब चलिए देखते हैं माउस की हेल्प से कैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट बाय यूजिंग माउस, यानी कि माउस का यूज करते हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस फॉलो द स्टेप्स, यानी कि माउस का यूज करते हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें पहला स्टेप आता है पोजिशन द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट करेक्टर टू बी सेलेक्टेड। तो आपने क्या करना है, आपके जो कर्सर का जो पॉइंटर है, ठीक है ना, उसे पहले करेक्टर जो भी मतलब जिस करेक्टर को, जिस वर्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस करेक्टर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके पहले करेक्टर के लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपको उसको रखना है। जो भी आपका कर्सर है उसकी पोजिशन को आपके क्या करना है, उस करेक्टर के फर्स्ट करेक्टर के लेफ्ट में रखना है। फिर आगे क्या करना है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, फिर क्या करना है, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के रखना है एंड ड्रैग इट टू द एंड पॉइंट ऑफ सेलेक्शन, और इसको तब तक खिसकाना है जब तक उसका लास्ट पॉइंट नहीं आ जाता है जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है, यानी उस वर्ड के लास्ट पॉइंट तक सेलेक्ट होने तक आपको उसको बटन को दबा के रखना है। अगला क्या होता है, रिलीज द माउस बटन,
जब आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद में आप माउस के बटन को छोड़ देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड, तो जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। आप कैसे पहचान करेंगे कि टेक्स्ट सेलेक्ट है या नहीं है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट बटन दबा करके माउस को ड्रैग करने पर किसी भी तरीके का टेक्स्ट हाईलाइट होता है तो आप समझ जाना कि वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। ये उसकी पहचान होती है जब टेक्स्ट सेलेक्ट होने के बाद में ग्रे कलर में हाईलाइट होता है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट माना जाता है। अगला देखिए क्या है, डिलीटिंग टेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना माउस की हेल्प से या फिर कीबोर्ड की हेल्प से, अब हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट को डिलीट करना कि भाई टेक्स्ट को डिलीट कैसे करेंगे। यू कैन डिलीट ए करेक्टर, यानी कि आप किसी भी करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, सेंटेंस को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को भी डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में से इन ए वर्ड प्रोसेसर, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर, यानी कि एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट में से आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को और किसी भी करेक्टर को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है प्लेस द कर्सर इन ए लाइन, यानी आपको कर्सर क्या कहाँ रखना है, एक लाइन में कर्सर को रखना है, वेयर यू वांट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट और डिलीट, ठीक है ना, जहां पर आप किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं उसी लाइन में आपको क्या करना है, कर्सर को रखना है। अगला पॉइंट क्या आता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू डिलीट। अब लाइन में कर्सर को रखने के बाद में आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करना इससे पहले बता ही दिया था, चाहे तो माउस से सिलेक्ट कर लीजिए या फिर कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों तरीके आपको पहले बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्या बता रहा है कि पहली लाइन में, मतलब पहली लाइन में कर्सर को रखने के बाद में आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट, इसमें कहा जा रहा है प्रेस डिलीट की, यानी कि दूसरी लाइन में आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, आप सिलेक्ट कर चुके हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट होने के बाद में प्रेस डिलीट की आपने क्या करना है, डिलीट की को दबाना है और या फिर बैक स्पेस की को दबाना है, इन दोनों में से किसी भी एक की को आप प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट की को प्रेस कर दें चाहे बैक स्पेस की को प्रेस कर दें। फॉर डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है उसको डिलीट करने के लिए चाहे तो आप बैक स्पेस का बटन दबा दें या फिर डिलीट का बटन दबा दें, दोनों का काम एक ही होगा, उस टेक्स्ट को डिलीट करना। अगला पॉइंट कह रहा है योर टेक्स्ट विल बी डिलीटेड, ठीक है ना, जब आप डिलीट का या फिर बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये पोर्शन था डिलीटिंग टेक्स्ट का। चलिए नेक्स्ट, अंडू कमांड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंडू कमांड की, ये अंडू कमांड क्या होती है, यू कैन अंडू मैनी एक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कई एक्शन को क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अंडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन, अंडू कमांड का यूज होता है जो भी लास्ट में एक्शन किए गए उनको रिवर्स करना। यू कैन अंडू चेंजेस, आप किए गए डॉक्यूमेंट में चेंजेस को क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्ड सेव्स द लास्ट 100 एक्शन, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वो लास्ट के आपके जो भी 100 मूवमेंट होंगे, 100 जो भी एक्शन होंगे उसको क्या करता है, वो सेव करके रखता है। टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, यानी जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किए गए हैं उनको रिवर्स करने के लिए क्लिक द अंडू बटन, अंडू बटन पर क्लिक करें ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और ये अंडू बटन हमें कहाँ मिलता है, क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो अंडू बटन होता है, ठीक है ना, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है अगर आप लास्ट में किए गए एक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो, ठीक है। इफ द अंडू बटन इज डिम्ड,
अगर आपका अंडू बटन डिम हो चुका है, ठीक है, यानी कि वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, डिम हो चुका है, देन तब देयर आर नो एक्शन दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन बाकी नहीं बचा हुआ है जिसे रिवर्स किया जा सके, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप अंडू अंडू करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आपका अंडू जो बटन है वो डिम हो जाएगा, एकदम से हाईलाइट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको ये समझ लेना है कि अब इसके अंदर ऐसी कोई भी लास्ट एक्शन नहीं बचा हुआ है जिसको कि रिवर्स किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि उस अंडू कमांड में से वो सभी एक्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, जिन्हें वो रिवर्स कर रहा था बार बार, वो सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। उसके पास में किसी भी तरीके का कोई भी लास्ट एक्शन नहीं बचा है जिसे वो दोबारा से रिवर्स कर सके। द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अंडू कमांड इज कंट्रोल प्लस जेड। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अंडू कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल जेड, ठीक है ना। इसे आप याद करके रखें, अंडू कमांड का जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस जेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रीडू और रिपीट कमांड, चाहे तो आप इसे रीडू कमांड कह लें या फिर रिपीट कमांड कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। रीडू कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द अंडू कमांड, यानी रीडू कमांड का जो यूज होता है वो अंडू कमांड को रिवर्स करने का होता है, ठीक है ना। रीडू कमांड का जो काम होता है, क्या काम होता है रीडू कमांड का, इसका काम होता है कि वो अंडू कमांड को क्या करता है, रिवर्स करता है। कहने का मतलब ये है कि जो काम यहाँ पर अंडू कमांड करती है उसी काम का उल्टा ये रीडू कमांड करता है, ठीक है। यूजिंग रीडू यू कैन रीडू लास्ट एक्शन ऑन सीरीज ऑफ लास्ट एक्शन। यहाँ पर रीडू का यूज करते हुए आप जो भी लास्ट एक्शन को रिवर्स किया गया है उनको हम आप लास्ट एक्शन क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, यानी अंडू के जो अंडू के द्वारा जो भी एक्शन किया गया उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। टू रीडू द लास्ट एक्शन, यानी लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो रीडू बटन होता है उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अगर आप अंडू द्वारा किए गए लास्ट एक्शन को रीडू या फिर रिपीट करना चाहते हैं तो। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द शॉर्टकट की टू परफॉर्म रीडू कमांड इज कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है ना। यानी कि रीडू कमांड को परफॉर्म करने के लिए उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस वाई। इस कमांड को भी आप याद कर ले, शॉर्टकट की को कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू या फिर रिपीट कमांड के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉपी कमांड। ये कॉपी कमांड क्या होती है भाई, देखते हैं। कॉपी कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी आपके द्वारा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया गया है उस सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की, ठीक है ना, जो कॉपी कमांड होती है वो क्या करती है, उसका डुप्लीकेट बना के तैयार करती है। कॉपी कमांड का सीधा सीधा काम होता है कॉपी बनाना, ठीक है ना, किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट की एक कॉपी बनाना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना। वो तभी संभव है जब आप किसी भी टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज करते हुए किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए, ठीक है ना, आपको क्या करना होता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। इट स्टोर्स द डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या करके रखता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके डुप्लीकेट को स्टोर करके रखता है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी बिना ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी भी तरीके के चेंजेस किए हुए ये उसके डुप्लीकेट को स्टोर करके रखता है। द शॉर्टकट की टू परफॉर्म द कॉपी कमांड इज कंट्रोल प्लस सी। यानी कि जो कॉपी कमांड होती है उसको परफॉर्म करने के लिए उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। ये भी आप कमांड याद कर लें कि कॉपी कमांड जो होती है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स। अब यहाँ पर जो भी आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसकी अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इन स्टेप को क्या करें, फॉलो करें। इसमें पहला स्टेप कहता है प्लेस द कर्सर, यानी अपने कर्सर को वहाँ पर रखें। कहाँ पर रखना है, इन ए लाइन, एक लाइन में रखना है। वेयर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, जहाँ पर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसी लाइन में आप क्या करें, कर्सर को प्लेस करें, उसको रखें।
सेकंड पॉइंट बोलता है सेलेक्ट द टेक्स्ट बाई माउस और कीबोर्ड। माउस या फिर कीबोर्ड की हेल्प से, उसकी मदद से आप टेक्स्ट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। और आगे थर्ड पॉइंट बोलता है ऑन द होम टैब। अब यहाँ पे बात हो रही है क्या, होम टैब पर इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप, होम टैब में जो क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है वहां पर क्लिक कॉपी, कॉपी पर क्लिक करें, या फिर कंट्रोल सी जो कीज होती हैं उनको प्रेस करें। ठीक है, या तो आप होम टैब में जो क्लिप बोर्ड ग्रुप है वहां पर जाकर के कॉपी पर क्लिक करना है, या फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दें। ठीक है, तो वो कमांड वर्क कर जाएगी। योर सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कॉपीड, यानी जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था उसके बाद में होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पर क्लिक किया था या फिर कंट्रोल सी प्रेस की थी, इतना करने के बाद में आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, बिना मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट में बिना किसी तरीके के चेंज किए हुए ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कट कमांड। अभी हमने देखा कॉपी कमांड क्या होता है, आप देखेंगे कट कमांड। द कट कमांड डिलीट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कट कमांड जो होती है वो किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट कर देती है। ठीक है ना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जहां पर ओरिजिनल पोजीशन में वो टेक्स्ट रखा हुआ था वहां से ही उसे ओरिजिनल पोजीशन में से उठाकर उसे क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। टू कट द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स, यानी टेक्स्ट को कट करने के लिए आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या है भाई ये स्टेप्स, चलिए देख लेते हैं। स्टेप नंबर वन कहता है प्लेस द कर्सर इन ए लाइन, एक लाइन में कर्सर को रखें। वेयर यू वांट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर कट, जहां पर आप कट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस जगह पर आपको अपना कर्सर रखना है। सेकेंड स्टेप में कहता है सेलेक्ट द टेक्स्ट बाई माउस और कीबोर्ड यू विश टू कट, अब आपको क्या करना है, माउस या फिर कीबोर्ड की हेल्प से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है ऑन द होम टैब, यानी कि होम टैब में इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप, क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्लिक कट, कट पर क्या करना है, क्लिक करना है, या फिर आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का वर्क एक ही होगा, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स की को प्रेस करें जिससे कि ये इसकी शॉर्टकट की होती है तो वो परफॉर्म करेगी, या फिर आप होम टैब में जाके क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगला पॉइंट कहता है योर सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कट, यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया होगा वो कंट्रोल प्लस एक्स कमांड करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट वो हो जाएगा कट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड क्या होती है भाई, देखिए पेस्ट कमांड इज यूज्ड टू पेस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। पेस्ट कमांड का यूज होता है जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना इन अनदर लोकेशन, किसी दूसरी लोकेशन पर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट की किसी दूसरी लोकेशन पर सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है। पेस्ट कमांड परफॉर्म आफ्टर कॉपी और कट कमांड, यानी पेस्ट कमांड जो होती है वो कॉपी कमांड या फिर कट कमांड होने के बाद में ही वर्क करती है। यानी पेस्ट करने से पहले आपको या तो कट करना पड़ेगा टेक्स्ट को या फिर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पेस्ट कमांड वर्क करेगी। इफ यू वांट टू पेस्ट ए डुप्लीकेट टेक्स्ट इन अनदर लोकेशन, अगर आप किसी भी डुप्लीकेट टेक्स्ट को किसी दूसरे लोकेशन पर पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, बिना ओरिजिनल टेक्स्ट के किसी भी तरीके के चेंज किए हुए, तो यू हैव टू यूज कॉपी एंड पेस्ट कमांड, तब आपको उस कंडीशन में कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज करना होगा। कब करना है कॉपी पेस्ट का यूज, जब आप पुराने टेक्स्ट में जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको बिना किसी चेंज किए हुए आप दूसरी नई कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू पेस्ट टेक्स्ट इन अनदर लोकेशन, अगर आप चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए और फिर डॉक्यूमेंट किसी भी एक डॉक्यूमेंट में विद द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ में, अब यहाँ पे समझ लीजिए पहले आपने कॉपी पेस्ट किया था तो इतना करने पर क्या होता था, जहां पर जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ जिसे आपने कॉपी किया था उस टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस
नहीं होता है। लेकिन जब आप कट कमांड का यूज करते हैं, कट एंड पेस्ट का यूज करते हैं, उस जगह पर क्या होता है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो कट के दूसरी जगह पहुंचता है, यानी एक तरीके की मूव कमांड हो जाती है। वही चीज इसमें लिखी हुई है, इफ यू वांट टू पेस्ट टेक्स्ट इन अनदर लोकेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है ना, किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को ही दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज कट एंड पेस्ट कमांड, तब आपको कट एंड पेस्ट कमांड का यूज करना होगा। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड मूव द टेक्स्ट, इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है उसको मूव टेक्स्ट बोलते हैं, मूव करना बोलते हैं, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर, ठीक है ना, इसकी जो भी ओरिजिनल लोकेशन है वहां से किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए आपको मूव कमांड यूज होती है। द शॉर्टकट की टू परफॉर्म पेस्ट कमांड इज कंट्रोल प्लस वी, यानी जो भी पेस्ट कमांड होती है उसको यूज करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की मिलती है, कंट्रोल प्लस वी, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। आपको पेस्ट कमांड यूज करनी है तो फिर आप कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे, तभी आपका जो भी टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू परफॉर्म पेस्ट कमांड फॉलो द स्टेप्स, यानी पेस्ट कमांड को परफॉर्म करने के लिए आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप कहता है सेलेक्ट द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप कहता है ऑन द होम टैब, होम टैब में जाकर के इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर के क्लिक कॉपी, फिर क्या करना है आपको कॉपी पर क्लिक करना है या फिर आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है ऑन द होम टैब, होम टैब में जाकर के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको पेस्ट पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है। तो इतना करने से जो भी सेलेक्ट आपने टेक्स्ट किया होगा वो दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब जानते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है। हैव यू एवर नोटिस्ड रेड ग्रीन वेवी लाइन अंडर सम वर्ड, क्या आपने कभी लाल और हरे कलर की वेवी लाइन को किसी शब्द के नीचे देखा है, नोटिस किया है इस चीज को। एमएस वर्ड हैज एन इनबिल्ट डिक्शनरी, एमएस वर्ड के अंदर एक डिक्शनरी बनी हुई होती है एंड ए सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, और उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। इफ एनी वर्ड इज नॉट फाउंड, अगर उस डिक्शनरी के अंदर कोई भी शब्द नहीं पाया जाता है, मतलब जो भी आप शब्द वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं और वो वर्ड जो है एमएस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, इट मार्क्ड एज मिस स्पेल्ड, यानी तो वो उस शब्द को किस तरीके से नोटिस करेगा, मार्क करेगा, मिस स्पेल्ड में मार्क करेगा, ठीक है ना, यानी गलत स्पेलिंग में उसे जोड़ेगा। ए रेड वेवी लाइन इंडिकेट्स ए स्पेलिंग मिस्टेक, तो किसी भी शब्द के नीचे एक लाल कलर की जो लाइन वेवी लाइन आती है उसका इंडिकेशन होता है स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत होने का इंडिकेशन वो देती है। ए ग्रीन वेवी लाइन इंडिकेट्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक, और किसी भी वर्ड के अंदर अगर हरे कलर की वेवी लाइन आती है तो वो ग्रामर की मिस्टेक होने का संकेत देती है, यानी रेड कलर की अगर कोई वेवी लाइन आई तो वो स्पेलिंग गलत होने का संकेत मिलता है हमें, और अगर ग्रीन कलर की कोई भी वेवी लाइन आती है तो उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का हमें अंदाजा हो जाता है। ये दोनों वेवी लाइन हमको इंडिकेट करती हैं या तो आपकी स्पेलिंग ही गलत है या फिर उसमें किसी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है। टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर फॉलो द स्टेप्स, अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को यूज करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। तो क्या है भाई स्टेप, स्टेप नंबर वन कहता है ऑन द रिव्यू टैब, रिव्यू टैब के में जाएं आप इन द प्रूफिंग ग्रुप, और उसी रिव्यू टैब के अंदर एक प्रूफिंग ग्रुप होता है उसमें जाएं, क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, फिर वहां पर क्या करना है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रुप पर यानी ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, इफ देयर आर स्पेलिंग मिस्टेक, अगर उसमें किसी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक है, ए स्पेलिंग टास्क पेन अपीयर्स, तो एक स्पेलिंग टास्क पेन जो होगा वो दिखाई देगा, एंड द फर्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड फाउंड बाय द स्पेलिंग चेकर इज सिलेक्टेड, तो इसमें जो भी पहला मिस स्पेल्ड वर्ड होगा, ठीक है, वो स्पेलिंग चेकर के द्वारा फाइंड कर दिया जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक द वर्ड इन द फाइल एंड एडिट द वर्ड एज नीडेड फॉर फिक्स द वर्ड,
अगर मान के चलिए वो सिलेक्ट नहीं होता, आपको वर्ड नहीं मिलता और आपको वो सही करना है, तो क्या करना होता है कि उस शब्द पर क्लिक करना होता है, ठीक है ना, जो कि फाइल में लिखा हुआ है, और उसको एडिट करने के लिए, ठीक है ना, उस वर्ड को सही करने के लिए उसको क्या करना होता है, उसको एडिट करना होता है, सही करना होता है। टू एक्टिवेट स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल प्रेस F7। यानी कि अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, F7 फंक्शन की का जो बटन है वो आपको प्रेस करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता आपका फाइंड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को ढूंढना। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एक पेज, दो पेज, दस पेज, बीस पेज, जो भी पेज बनाए हैं, उस उन पेजों के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, वर्ड, ठीक है ना, करेक्टर या जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। चलिए देखते क्या है ये। वी कैन यूज द फाइंड कमांड, यानी हम फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं टू लोकेट एनी करेक्टर, ठीक है ना, वर्ड इन द इन ए डॉक्यूमेंट। किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक करेक्टर या फिर वर्ड को ढूंढने के लिए हम फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम, यानी ये हमारे समय की बचत करता है। वेन वर्किंग विद लॉन्ग डॉक्यूमेंट, जब आप किसी एक बड़े डॉक्यूमेंट के साथ में काम कर रहे हैं तब आपकी समय में बचत करेगा, ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हेल्प करेगा उसमें। टू फाइंड टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स, यानी टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढने के लिए आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1 कहता है ऑन द होम टैब, होम टैब पर इन द एडिटिंग ग्रुप, होम टैब में एक एडिटिंग ग्रुप होता है वहां पर जाना है। इन द ड्रॉप डाउन ऑफ फाइंड कमांड, फाइंड कमांड के ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट खुल के आएगी उस लिस्ट में आपको एडवांस्ड फाइंड पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट, जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस नाम का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। अगले स्टेप में टाइप द एप्रोप्रिएट एंट्री इन द फाइंड वा टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि जिस चीज को आप ढूंढना चाहते हैं उस एप्रोप्रिएट वर्ड को आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन, उसके बाद में आपको फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगला पॉइंट क्लिक द ओके बटन, फिर लास्ट में क्या करना है आपको, ओके बटन पर क्लिक करना है। टू फाइंड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+F। अगर आप यहाँ से ये जो होम टैब दे रखा है उसके अंदर एडिटिंग ग्रुप है और फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आती है फाइंड कमांड के लिए, फिर एडवांस फाइंड सेलेक्ट करेंगे तब जाके आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इतने लंबे प्रोसेस से न गुजरने के लिए आपको एक शॉर्टकट की मिलती है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से ढूंढ सकते हैं, और वो शॉर्टकट की है Ctrl+F। इसे आप अपने दिमाग में बैठा लें कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें टेक्स्ट को ढूंढना है तो किस कमांड का यूज करेंगे, वो कमांड है हमारी Ctrl+F। चलिए नेक्स्ट क्या है। अब आता है आपका रिप्लेस टेक्स्ट। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट की जगह पर दूसरे टेक्स्ट को लिखना, यूज करना, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। बाई यूजिंग रिप्लेस टेक्स्ट कमांड, यानी कि रिप्लेस टेक्स्ट कमांड का यूज करने के लिए वी कैन ऑल्सो रिप्लेस वर्ड विद न्यू वर्ड। तो हम यहाँ पर किसी भी वर्ड की जगह पर किसी दूसरे वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टू रिप्लेस टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स, यानी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए ये वाले स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप कहता है ऑन द होम टैब, होम टैब पर जाकर के इन द एडिटिंग ग्रुप, उसमें एक एडिटिंग ग्रुप होगा वहां पर भी जाकर के क्लिक द रिप्लेस कमांड, आपको क्या करना है, रिप्लेस कमांड पर क्लिक कर देना है। इन द फील्ड वाट बॉक्स, सॉरी इन द फाइंड वाट बॉक्स, यानी कि जो फाइंड वाट बॉक्स होगा, एंटर द टेक्स्ट यू आर लुकिंग फॉर, उस बॉक्स में आपको उस टेक्स्ट को लिखना है जिस टेक्स्ट को आप पेज में ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज को आप ढूंढना चाहते हैं उसी चीज को आपको फाइंड वाट बॉक्स में लिखना है। अगला पॉइंट क्या है, एंटर टेक्स्ट इन द रिप्लेस विद फील्ड, उसके नीचे एक और आपको फील्ड मिलेगा ब्लैंक, वो होगा रिप्लेस विद नाम से, ठीक है ना। उस फील्ड में भी क्या करना है, रिप्लेस द टेक्स्ट
यानी किसी दूसरे टेक्स्ट को लिखना है जिस टेक्स्ट को आप उसके साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी पुराने टेक्स्ट की जगह पर आप जो नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वही नया टेक्स्ट आपको इसमें फाइंड रिप्लेस विद में लिखना है, ठीक है। क्लिक रिप्लेस यानी कि फाइंड वर्ड में, उसके बाद में रिप्लेस में, दोनों जगह टेक्स्ट लिखने के बाद में आपने क्या करना है, रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल ऑक्यूएंस, अगर आप चाहते हैं कि उस पेज में जितनी भी जगह पर वो लिखा हो टेक्स्ट उसकी जगह पर आप सभी पर क्या करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्लिक रिप्लेस ऑल, तब उस कंडीशन में आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां पर आपका वो वर्ड मौजूद होगा जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। टू रिप्लेस टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करना है तो आपको रिप्लेस विंडो दिखाई देगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आती है आपकी गो टू कमांड। गो टू कमांड का मतलब होता है किसी भी करेंट डॉक्यूमेंट में से आप उसके पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर कहीं पर भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है कमांड। टू जंप टू अनदर पेज सेक्शन लाइन फॉलो द स्टेप्स, यानी कि आप जिस पेज पर काम कर रहे हैं उस पेज से आपको किसी दूसरे पेज पर जंप करना है या दूसरे सेक्शन में जाना है या फिर किसी दूसरी लाइन में जाना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। ऑन द होम टैब, होम टैब में जाकर के, इन द एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप होता है उसमें जाकर के, इन द ड्रॉप डाउन, ठीक है ना, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ड्रॉप डाउन खुल के आएगी, ठीक है। तो उसमें फाइंड कमांड क्लिक, ठीक है ना, तो फाइंड कमांड में जाकर के एडवांस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, तब क्या होगा, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। क्लिक द गो टू टैब, उसी डायलॉग बॉक्स के अंदर एक गो टू टैब दिखेगा आपको, वहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। एंटर द पेज नंबर, अब आपको क्या करना है, पेज नंबर को डालें एंड क्लिक द ऑप्शन वेयर यू वांट टू मूव, और फिर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करें जिस ऑप्शन पर आप उसे मूव कराना चाहते हैं, जहां पर उसे आप मूव कराना चाहते हैं उसी ऑप्शन पर क्लिक करें। टू मूव टू अनदर पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी आप अपने कर्सर को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर, मतलब दूसरे पेज में मूव कराना चाहते हैं तो आपको ये वाली शॉर्टकट की यूज करनी होगी, वो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। गो टू कमांड होती है, इसको हम कंट्रोल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट आपको वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा गो टू कमांड का। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, आई होप आपने सभी ने समझा होगा, इसको समझें, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक होकर संपर्क करें। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी का हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।